आप सभी को हाथ जोड़ के तहे दिल से राम राम। मंच पर उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गण और यहाँ पर सभी सामान्य भाई और बहनों को एक बार और राम राम। मैं गौरव चौधरी मेरठ में पैदा हुआ, बचपन से हॉस्टलों में पढ़ा, 16 साल तक हॉस्टलों में पढ़ाई करके 17 साल का होते ही सोचा था अपने देश में घूमूंगा, कुछ यहीं आगे दोबारा पढ़ूंगा, पर माँ बाप ने कहा ना बेटा और पढ़ और नाम रोशन कर और आगे जा। मैं कहा चलो जी चलो, माँ बाप का प्यार तो मिला नहीं, बचपनों से हॉस्टलों की रोटी खाई, चलो अब विदेश की भी खा लेते हैं। जर्मनी पहुँचा, नई भाषा, नए लोग, नई दुनिया, और 17 साल की उम्र में जब वहाँ गया मैं आज से 14 साल पहले, तो वहाँ पे अंग्रेजी का इतना कुछ नहीं था, यहाँ से तो इंग्लिश में पिताजी ने कहा बेटा इंग्लिश जरूर आनी चाहिए और भेज दिया जर्मन। अच्छा चलो जी, नई चुनौतियाँ स्वीकार करी, बहुत मेहनत करी और आज जो भी इस मुकाम पे पहुँचा, बहुत तो नहीं हूँ पर ये तो हमारे तीनों भाइयों की बड़प्पन है जिन्होंने मुझे इस मंच का न्योता दिया। मेरी लाइफ में मेरे माँ बाप या मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, इतना ज्ञान प्रदान किया कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में, पर उससे भी कहीं ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में एक चीज़ है कि मैं जाट हूँ। और आज जो भी हूँ, जितना ही मेरे परिवार का इन सब का योगदान मेरी लाइफ में रहा, तो मेरे कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में जुड़ी हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जब छोटी उम्र में बाहर घूमता था तो कोई भी परिस्थितियाँ आती थी, आप सभी ने देखी होगी एक पिक्चर थ्री इडियट्स, उसमें आमिर खान एक ही चीज़ सिखाता है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि किसी भी परिस्थिति में हो घबराना नहीं, ये दिल घबराता है इसको बोल रहा है सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैं जब घबराता था या कहीं भी चलता था तो मैं एक ही बात बोलता था, अरे हम जाट हैं, कर लेंगे, अरे कर लेंगे हम जाट हैं। इसी सोच और इसी भावना से आज इस मुकाम तक पहुंचा और ऐसे ही चलता रहा और आप सबका प्यार मिलता रहा तो यकीनन और आगे जाऊंगा और आप सबका मान बढ़ाऊंगा। जय हिंद जय जाट। यस सर, प्रदीप नेहरा जी। मेरी तरफ से सबको नमस्कार, राम राम। मैं दुबई में व्यापार करता हूं और जाट जिस काम में लग जाता है वो कभी भी पीछे नहीं रहता है, तो मार्बल के बिजनेस में मेरा फील्ड है, उसके अंदर जाट जो जो काम कर रहे हैं वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो मेरा तो अनुभव यही है, वो जिस काम में जाट लग गया, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे व्यापार में हो, कुछ भी हो, जाट का कभी भी किसी से पीछे नहीं रहता है। दुबई में आप कभी भी आएँ, आपका सबका स्वागत है और आपने सबने आप आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।